சொல் சங்கராம் அரில்லாகல் ஜுலனியா लागल झूलनिया के धक्का बलम गल कट्टा को पूछ गए लागल झूलनिया के धक्का बलम गल कट्टा पहुंच गए भोजपुरिया जहान हम रवि किशन शुक्ल स्वागत करतानी सुर के सबसे बड़ संग्राम में जेका नाम बाटे सुर संग्राम तृतीय मालूम जी क्या कहें आपके लिए के अल्फाज नहीं मिलते आप जैसे चमन में फूल बार बार नहीं खिलते वाह 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 बुढ़ा लोगन के बच्चा लोगन के लइकन लोगन के भोजपुरिया समाज के अखियन के सपना कल्पना जी का स्वागत बाटे जोरदार ताली के साथ स्वागत करी यूपी के शान के सरदार मोहन राठौड़ के बिहार की आन के सरदार आलोक कुमार के और झारखंड की जान सरदार ममता राउत के और जोरदार ताली के साथ स्वागत करी तीन राज्य के सुर के योद्धा लोगन के स्वागत कर जाओ विश्वामित्र इंडिया परिवार ऑडियंस के जे तीनों सेना के हौसला बढ़ा रहा भाई के जोरदार ताली ऑडियंस पिछले एपिसोड में राजकुमार पांडे जी के सिनेमा के गाना के साथ तीन सेना के योद्धा कैले रहन सामना संघर्ष और जुनून के जोरदार नजारा के बाद बिहार
सेना की सौम्या मिश्रा हो गई सेफ तो झारखंड सेना के शाम के बिटाई सबसे कम भाई आगे आयू भी आगे रहे जो गरजता है वो गरजता नहीं बस करके दिखाना है तो जय झारखंड। एक बात हम कह कि बिहार से अब दो ही लोग बचल बा सौम्या मिश्रा और सुनीत भट्ट क्या कि पिछला एपिसोड में सौम्या मिश्रा जी सेफ हो गए नहीं अब अकेला वाला नहीं सुमित कुमार भट्ट जी लेकिन इनका गायकी में इतना दम बाटे भैया कैसन लगाई तान यूपी वाला और झारखंड वाला के हो जाए कल्याण। हमने के पिछला एपिसोड जो बीत गए माँ लोग भाई कहले रहना कि यूपी जाए या तो झारखंड जाए पक्का जाए दूरी दूर रहिए भाई गोपाल भाई हमारा अला सो भौजाई के ले लेना वो नाम जे आज ही मन से विदा हो जाए वो नाम बाटे सोनम जी देना पर इधर के हमारा नाम बोले हो यान साहब और बढ़िया बा अच्छा से गावा जा सब लोग भूतकल बाटे शंखनाद आई बुलावल जाई पहला योद्धा के जिका के पिछला एपिसोड में भेटायल रहे सबसे कम 38 नंबर आज इनका खातिर करो या मरो के स्थिति बाटे हो का योद्धा आज बस के निकल पाई या एलिमिनेशन के माया जाल में बुरी तरह फंस जाए जोरदार ताली के साथ स्वागत करिए झारखंड के जान के रांची से श्याम सिंह करे सियल कैसे जाई इफाटल करे जा सियल कैसे जाई दर्द लेके दिल में दर्द लेके दिल में जियल कैसे जाई इफाटल करे सब लोगन का पोल बहुत बढ़िया खोलल ला सुने का पोल बाटे समस्त जहान के बताएं न्याय मंडल भी देखे अपने पार्टिसिपेंट लोगन के बारे में कुछ बोला दीपक भैया बने जब रूम में आईने के सामने चल जाए तो आधा घंटा तक लगा ली है फिर उसके बाद बाल कभी से अब कोई के सामने ना देवे लें अब मैंने आधा एक घंटा मैंने कह राती खाली चश्मा उसमें पूरा बाल उल झाड़क से उतर लें तो कुछ नहीं एक दिन की कहे ऐसे भाई तो कहें कि मान लो कोई हमारे सपना में डेट पर ले जाए तो वीरेंद्र भैया बानी यहाँ के देसी डॉक्टर रही बहुत बढ़िया अगर कोई रुआ बताओ तनी हमारा कि हमारा खांसी भइल बा चाहे कुछ भइल बा तो वहाँ को जब पहुँचब अपन इलाज बताइला कैसे कि जोन सीधरी मछली हो लेना ओके पकड़ ली है पाँच ठे ओके आगे पे एकदम भून दी करिए हो जाएगी चाहे फिर ओके सिल्ली पे पीस के छन्नी से छान के आ जोन देसी मध हो लेना ओकरा में से गोला बना के खइब अगर खंसिए फिर आ जी तो हम उछिया छिला देब अपन सुमित भैया
कहले कि अब हम अपने से मंत्र बोलत बोलत बहुत थक गई ऐसे एगो पंडित बुलाओ लोग हमारे बिया करावा उनका से मंत्र बुलवाओ। वाह आज भगवान करे कि आज विदाई की रात इनकर फाटल करे जाके भगवान बचा ले। का कहबा मोहन बाबू फाटल करे जाके बारे इनकर गायकी के भाव शुरू से भोजपुरी फोक एगो अलग गावेलन और इजोन गईला हम जब मुखड़ा तक गई ना तो ऐसा लागत रहे हमके कि जैसे कैसेट बज रहा बाटे। जौना भाव में गौला श्याम उद्दिल तक पहुंचल ठीक ठाक लगल हमरा कोनो खास बात ना रहे इनकर गायकी में। चल जाओ मालनी जी के पास। मालनी जी इनकर आवाज गायकी कैसन रहे? सुर में गाया अच्छा गाया भाव में गाया लेकिन इतने गाने गाने के बाद इतने पड़ाव पार करने के बाद श्याम अब वो टेक्निक भी आनी चाहिए कि आवाज लगी हो गला खराब हो या स्केल ऊंचा हो तो ऊपर के नोट कैसे होशियारी से हम दबा के छिपा के ले जाए। पहले दूसरे में वो हो सकता लेकिन अब तक सीख लेना चाहिए। ये सुनहरा मौका है सुर संग्राम बार बार नहीं आता। सुर संग्राम 3 का हम लोगों ने भी 2 साल इंतजार किया है और ये एक ऐसा मौका है जो आप आए और अपने भोजपुरिया समाज में छा जाए। आप ऐसे गाने भी चुनिए इस तरह की गायकी को पकड़िए कि आप उनके दिल में उतरे। आज जौन सुर तुहार बिगड़ गए थोड़ा ओकरे खाते राज नंबर थोड़ा कटाई हम दे 15। जहाँ तक गीत की चयन की बात है वो सुमति आपको प्राप्त हुई है कहीं से वो शक्ति ने आपको इशारा किया है और मैंने पहले भी आपको बोला है ये आपका एक अनोखा सा रंग है। बहुत कुछ पक्का नहीं है फिर भी एक अलग भीड़ में आप अलग साउंड करते हो ये सच है। अगला मैं चाहती हूँ कि और एक छक्का मारने वाली जो बात हो वो बात आए आप 16 16 कल्पना जी से 15 मालिनी जी से कुल हो गए इनकर 69 यानी 69 मुबारक हो बाबू। जय हो महादेव। बहुत अच्छा भगवान से मनाइल जाए कि ये आवाज रहे मंच पे लेके सुर लगी पक्का हुए के कोई आगे बढ़े का अरमान पूरा भी बाकी बड़ा 6 को और कांटे की टक्कर। आज विदाई की रात कौना योद्धा पर पड़ी भारी कौना योद्धा के अरमान पर लगी पूर्ण विराम। अब मंच पर उतर रहल बाड़न उ योद्धा जिनका पिछला एपिसोड में भेटायल है 50 में से 46 नंबर। जोरदार ताली के साथ स्वागत करें यूपी के शान या आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के माटी के लाल वीरेंद्र भारती। अरे बर किसे बाढ़ेर खतरा अब गोरकी से बढ़ेर खतरा अरे ले कहियो जान तनिका सावारे अरे तनिका सावारे तनिका सावारे में हरा रू हमते बिहाय भगवान तनिका सावरे में हरा रू हमके दिहाय भगवान। हे गोरकी से बढ़ेर खतरा गोरकी से बढ़ेर खतरा ले कहियो जान तनिका सावरे तनिका सावरे में हरा रू हमके दिहाय भगवान तनिका सावरे में हरा के दिहाए भगवान। तनिका सामारे और तनिका सामारे में हरा रू हमके दिहाए भगवान तनिका सामारे में हरा रू हमके दिहाए भगवान। किसे बढ़ेर खतरा ले कहियो जान तनिका सावारे तनिका सावारे में हरा रू हमके दिहाए भगवान तनिका सावारे में हरा रू हम
के दिहाय भगवान तनिका हसामरे में हराज हम के दिहाय भगवान तनिका हसामरे में हराज हम के दिहाय भगवान। आलोक बाबू कहा कहवा बढ़िया लगा लो भैया गर्दा गर्दा हो गए। अच्छा भाई एक बात हम पूछो गोर मेहरारू से काहे डर लगता था? एनाते डर लगता ना भैया कि वो गोर रही तो के लिपस्टिक लावे पड़ी पाउडर लावे पड़ी समय से बाजारे घुमावे पड़ी गोलगप्पा खियावे के पड़ी और करिया रही तो गांव में रही तो कसहू बिता ले ले जाई कार मेहरारू को काहे नहीं चाहिए ओकरा के चाहिए लेकिन गांव में अगर सांवर मेहरारू रही तो कसहू बीत जाए अगर पाउडर ना समय से मेरी क्रीम ना मिली तब वो काम चल जाए ओकर लेकिन गोर रही तो चाहिए। बहुत सुंदर गौला नीक गौला बढ़िया गौला ऐसे ही गई है और शिखर पे पहुंची है। इनकरे से हमनी के पूरा मंच पे भोजपुरी देसी भोजपुरी फोक भोजपुरी विधा उजियार रही और जब तक तू रहबा है मंच पे तब तक हमारे भोजपुरी जिंदाबाद रहे। वाह वाह एगो जोरदार ताली बहुत बढ़िया कल्पना जी सॉन्ग सिलेक्शन मुझे अच्छा लगा थीमेटिकली अलग था मींस शब्दों पे ध्यान गया सिर्फ गायकी पे नहीं रहा वो खास बात है आपकी चयन की। और एक बार और अच्छा लगा मुझे अलग अलग लाइंस को आपने अलग अलग ढंग से बोलने की कोशिश की खासकर आखिरी ये में वेरिएशंस बहुत ज्यादा था पक रहे हो धीरे धीरे 19 रवि जी हम इन तरह खाते कुछ वहाँ पर आकर कहो अरे वाह वाह स्वागत बाटे अरे यही तारा कई वीरेंद्र अरे संहार के रखी हा ए संहार के रखी हा आज हम गढ़ के माटी के लाज संभाल के रखी हा आज हम गढ़ के माटी के लाज संभाल के रखी हा कहब कि गायकी तेवर अंदाज प्रेजेंटेशन लय के संग जोन तू आनंद लेकर गावत रहला और साथे साथ पूरा स्टेज कवर करके नाच कर राज में ये कह सकती हूँ कि ऐसी गायकी भोजपुरी मंच पे जाएगी तो पूरी तरह से झंडा गाड़ेगी। हमरे हिसाब से तो दोनों कमी हमके कहीं ना ही दिखाई 20 में 20 20 में से 20 19 भेटाइल कल्पना जी से पिछला में भेटाइल रहे 46 तो कुल मिला के हो गई आज का 85 वाओ हरा हरा महादेव। इतना अच्छा पाके अब मदमस्त करता पूरा टेलीविजन पे जितना लोग बैठल बाड़न उन लोगन खातिर अपन उहो रूप दिखा दा जन हिंदी का भोजपुरी का खेलावा चला हो। दीदी खास तौर से गांव में एगो नाच होले जोने नाच के नाम पचगोइया पचगोइया में खाली 5 जने रहेले और पचगोइया में जब नचनिया आवेला नाचे खातिर तो जैसे हिंदी गीत बटे भैया तो ओके अपने लय में अपने धुन में सब गावे कैसे गावे ले मास्टर अरे मैं तेरी नागिन अरे तू मेरा दुश्मन की मैं नागिन तू सा पेरा रे गुइया मैं नागिन तू सा पेरा रे गुइया मैं नागिन तू सा पेरा रे गुइया मैं नाग हे अब फिर गावेली कि अरे तुम तो ठहरे परदेसी अब साथ क्या निभाओगे वैसे होके कैसे गए हैं रवि भैया
कि अरे तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी। बहुत अच्छा, जय हो आपके और जय हो माई बाऊ और जय हो गांव देहात जहां ही लड़का जन्म ले।